नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को स्कैनिंग कैसे करते हैं और उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर जाते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आ गया ये पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड इस तरह का आपका आ जाएगा। तो आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपका दिखा है गार्जियन नेट सिक्योर स्कैन। आपका एंटीवायरस डाउनलोड होना चाहिए लैपटॉप पे, तब आप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए स्कैन पे। ये देखिए आपका स्कैनिंग इस तरह हो जाएगा कंप्लीट। राइट क्लिक कीजिएगा, स्कैनिंग पे जाइएगा, स्कैन आपका देखिए इस तरह से स्कैन कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया। आपका वायरस जितना था ख़त्म हो गया। अब आपको फॉर्मेट करना होगा, तो यहाँ पर राइट क्लिक और सबसे नीचे यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइएगा। फॉर्मेट मारने से पहले आप चेक कर लें कि आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट यहाँ पर ऑप्शन है FAT32 डिफॉल्ट, आप इससे भी फॉर्मेट कर सकते हैं और एक NTFS इसे भी आप कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन से आप यहाँ पर क्यूक फॉर्मेट में आप क्लिक कर दें, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करें, ओके कर दें। कुछ वक्त लगेगा फॉर्मेट होने में। अब देखिए फॉर्मेट कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब इसको ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं, आपका फॉर्मेट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, पेन ड्राइव फॉर्मेट कर सकते हैं और पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएंगे ये आगे के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पेन ड्राइव से कैसे बूटेबल बना सकते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पसंद लगा होगा तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।